हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचिंग फेयर। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं कवर करूंगी 10 प्राइवेट स्कूल की वैकेंसीज जो कि अलग अलग राज्यों से होंगी। आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर पाएंगे। ये आने वाले सेशन के लिए भी होंगी। इनमें से काफ़ी सारे स्कूल आपको फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, बाकी अदर बेनिफिट्स भी रहेंगे। तो चलते हैं, डिटेल्स कवर करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, एक बार ज़रूर चेक करें। आपको अपनी स्टेट में, अपनी लोकेशन में जॉब ढूंढने में आसानी होगी। साथ ही साथ फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है दोस्तों, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाएँ। टीचिंग फेयर के नाम से ग्रुप है, वहाँ पर टीचिंग जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। स्कूल कॉलेजेस की भी आपको वहाँ पर अपडेट्स मिलते रहेंगी। दोस्तों अभी मेरा टाइमिंग थोड़ा बिजी चल रहा है, इसलिए वीडियो अपलोड कम कर पा रही हूँ, इसलिए सारे अपडेट्स मैं टीचिंग फेयर ग्रुप पे डाल देती हूँ, तो वहाँ से ज़रूर जुड़ जाएं। और कोई भी क्वेरी है आपको तो आप कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं, या फिर अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं हम अपनी पहली एडवर्टीजमेंट की तरफ। पहली एडवर्टीजमेंट आपकी ये वेस्ट बंगाल लोकेशन से होगी, रिश्रा। ये जो रिश्रा है ये हुगली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए टीचर्स रिक्वायरमेंट है, ICSE करिकुलम होगा। पहली वैकेंसी जो है TTC ट्रेंड फीमेल टीचर्स की रिक्वायरमेंट है जूनियर सेक्शन के लिए। दूसरी जो है साइंस, कॉमर्स और इंग्लिश टीचर्स मिडिल और सीनियर स्कूल के लिए रिक्वायरमेंट है। ICSE बैकग्राउंड से प्रेफर किया जाएगा। CBSE बैकग्राउंड है तो भी आप अप्लाई ज़रूर करें, मैंडेटरी ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ ईमेल आईडी दी गई है, rishra@gmail.com। तो इस पे आप अपना CV और अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ डाल सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगली एडवर्टीजमेंट की तरफ। अगली वैकेंसी, इसकी लोकेशन हो जाएगी नोएडा से, LPS ग्लोबल स्कूल। ये काफ़ी रिनाउंड स्कूल है, सैलरी इसकी बहुत अच्छी है दोस्तों। और यहाँ आप देख सकते हैं सेक्टर 51 नोएडा की लोकेशन है। वेबसाइट आप एक बार चेक कर ले, lpsglobal.org। आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर पाएंगे। यहाँ पे जो पहली वैकेंसी है PGT के लिए है, सब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश और मैथमेटिक्स। यहाँ पे लिखा गया है सिर्फ एक्सपीरियंस टीचर ही अप्लाई करें, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो ले सकते हैं उठा सकते हैं। सेकेंडरी सेक्शन में आपका TGT में फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, SST, कंप्यूटर साइंस और लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी होगी, TGT लाइब्रेरियन। और PRT जनरल के लिए होगी, PRT इंग्लिश के लिए, प्री प्राइमरी ट्रेन टीचर्स। एक्टिविटी टीचर में आपका आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, वोकल और इंस्ट्रूमेंटल के लिए होगा। आपका इसका सैलरी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही होगा दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं। आपको इसको अप्लाई करने के लिए इसका फॉर्म जो है स्कूल वेबसाइट से, इसके जो स्कूल वेबसाइट है lpsglobal.org, यहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करके मेल करना होगा, उसको फिल करके मेल करना होगा info@lpsglobal.org। आप अपना एप्लीकेशन या CV ना डालें, जो इसकी फॉर्म है वही आप इसको भर करके इसमें मेल करें। सिर्फ इसका ही फॉर्म जो है कंसीडर किया जाएगा, आप अपना CV या कवर लेटर इसमें कुछ ना डालें दोस्तों। और आपका अगर शॉर्टलिस्टेड होता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। वीडियो के टॉप में आपको सजेशन पे कुछ लिंक दिख रहे होंगे, बाकी वीडियोस भी ज़रूर जाकर के चेक करें, रिसेंटली अपलोडेड वीडियो दोस्तों। काफ़ी सारे स्कूल्स की लास्ट डेट बहुत दिन तक रहती है तो आप एक बार चेक करें। इवन अभी मेरे स्कूल्स में भी वैकेंसी आई हुई है, 15 दिसंबर लास्ट डेट है, आपको उसका लिंक मिल जाएगा टॉप पे, आप चेक कर सकते हैं। अगली वैकेंसी, इसकी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ से होगी। ये चेन्नई से है दोस्तों, स्कूल का नाम है द हिंदू एडुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टीचर्स और स्टाफ की रिक्वायरमेंट है TGT सोशल साइंस और बायोलॉजी CBSE का है, SGT इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, तमिल CBSE के लिए, KG टीचर और इंस्ट्रक्टर CBSE या फिर स्टेट बोर्ड, बेसिक टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग इसका रिक्वायरमेंट है, IT असिस्टेंट, हार्डवेयर और नेटवर्किंग। यहाँ पे क्वालिफिकेशन TGT के लिए देख सकते हैं ग्रेजुएशन BEd के साथ, एक्सपीरियंस आपका मिनिमम 3 से 5 साल का होना चाहिए।
एसजीटी के लिए आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपका बीएड होना मैंडेटरी होगा, डिग्री ग्रेजुएशन और आपका बीएड। केजी टीचर और इंस्ट्रक्टर के लिए आपका डिप्लोमा इन मॉन्टेशनरी या फिर केजी ट्रेनिंग होनी चाहिए डिग्री के साथ। बेसिक आपका टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए आपके इस फील्ड में, या फिर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आईटी असिस्टेंट हार्डवेयर और नेटवर्किंग के लिए बैचलर डिग्री आईटी में और मिनिमम, या और लिखा है और रिलेटेड फील्ड, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपका बैचलर डिग्री नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा सारे टीचिंग पोस्ट के लिए। अप्लाई करना है आपको ईमेल के थ्रू, ईमेल आईडी आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। विद इन अ वीक सीवी के साथ, आपको सीवी के साथ अपने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रेगुलर कॉलेज है या डिस्टेंस से आपने कोर्स किया, ये सारा मेंशन करना है। एक्सपीरियंस भी आपको मेंशन करना है और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको सब्जेक्ट लाइन में लिखना होगा। यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया है, कोई भी डिटेल इंक्वायरी है तो इस नंबर पे आप जान सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली वैकेंसी की तरफ। अगली वैकेंसी भी आपकी तमिलनाडु से होगी, सत्तूर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है। ये स्कूल का नाम है कामा महाजना ट्रस्ट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पे लेडी टीचर की रिक्वायरमेंट है, पीजी टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए, मास्टर्स होना चाहिए बीएड के साथ। लेडी वार्डन गर्ल्स हॉस्टल के लिए कोई भी डिग्री चलेगा। हॉस्टल फैसिलिटी आपको दिया जाएगा, फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करना होगा सेक्रेटरी को, लास्ट डेट इसकी हो जाएगा 24 दिसंबर का। फ़ोन नंबर जो दिया गया है एक बार आप उसमें डिटेल जान लें कि आपको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं दी गई है, तो आप नंबर पे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं या फिर आपको ईमेल आईडी आप मांग सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। तो एक बार डिटेल्स पता कर लें इस स्कूल का। दोस्तों बढ़ते हैं अगली एडवर्टीजमेंट की तरफ। अगली एडवर्टीजमेंट स्टेट हो जाएगा मोहाली पंजाब से, यादविंद्र पब्लिक स्कूल। ये CISCE एफिलेटेड है। आपका यहाँ सीनियर विंग फैकल्टी में सब्जेक्ट आया हुआ है इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट और लाइब्रेरियन। यहाँ पे जूनियर विंग में आया हुआ है मैथमेटिक्स पंजाबी क्लास 1 से 5 तक के लिए, काउंसलर और लाइब्रेरियन। किंडरगार्टन विंग के लिए क्लासेस नर्सरी से अपर केजी तक के लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में ऑफिस असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों आपको इसको अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है ypschd.com। वहाँ पे आप डिटेल्स आपको मिल जाएगा कैसे अप्लाई करना है, तो एक बार चेक कर लें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों कोई भी अगर दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। देखते हैं अगली वैकेंसी की तरफ। और दोस्तों वीडियो पे कमेंट करना ज़रूर करें, कमेंट आपके पॉजिटिव कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करती हैं, इसीलिए वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगली वैकेंसी की तरफ। अगली वैकेंसी आपकी ये हो जाएगी गुंटूर, ये आंध्र प्रदेश का लोकेशन है, आंध्र प्रदेश। भारतीय विद्या भवन विद्या आश्रम स्कूल है। यहाँ पे टीचर्स के लिए वॉक इन इंटरव्यू है, डेट इसका हो जाएगा 20 दिसंबर का। और यहाँ पे टीचर्स जो है सब्जेक्ट हो जाएगा TGT SST के लिए, PRT इंग्लिश के लिए, डांस म्यूजिक और लाइब्रेरियन के लिए। आपको वॉक इन इंटरव्यू 20 दिसंबर को अटेंड करना होगा, 11 बजे का टाइमिंग दिया गया है स्कूल की कैंपस पे। स्कूल का लोकेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है आपको यहाँ रिज्यूमे, लास्ट डेट हो जाएगी 18 दिसंबर का। आपको सेंड करना है रिज्यूमे ईमेल आईडी के थ्रू। ईमेल आईडी नोट डाउन कर सकते हैं bhavansguntur@gmail.com। तो पहले आप ईमेल कर दें अपना रिज्यूमे, फिर वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अगली वैकेंसी आपकी न्यू दिल्ली लोकेशन से होगी, माउंट कोलंबस स्कूल दक्षिणपुरी लोकेशन हो जाएगा। यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपका प्रिंसिपल के लिए है PET स्पोर्ट्स टीचर कॉन्ट्रैक्ट पे होगा, वेलनेस टीचर और काउंसलर कॉन्ट्रैक्ट पे होगा। विदिन 7 डेज आपको अप्लाई करना है। आप ईमेल आईडी नोट डाउन कर ले mtcolumbus11@gmail.com। अगली वैकेंसी आपकी हो जाएगी वेस्ट बंगाल से। दोस्तों 2-3 लोकेशन है और डॉन बॉस्को स्कूल है, काफ़ी रिनाउंड स्कूल है, सैलरी अच्छी प्रोवाइड करती है। बहरमपुर और मुर्शिदाबाद की लोकेशन है।
यहाँ पे आपका टीचर्स हाई स्कूल के लिए रिक्वायर्ड है हिस्ट्री सब्जेक्ट में, जूनियर स्कूल के लिए आपका रिक्वायरमेंट है हिंदी के लिए बैचलर्स और बीएड होना चाहिए या फिर डीएलएड। मैथ्स और कंप्यूटर के लिए भी वैकेंसी है, आपका बैचलर होना चाहिए, बीएड या फिर डीएलएड। आपको अप्लाई करना है प्रिंसिपल को विद इन 7 डेज अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ। यहाँ पे दोस्तों कोई भी ईमेल आईडी नहीं दी गई है, तो आपको प्रिंसिपल को डायरेक्टली कांटेक्ट करना होगा। आप अगर लोकल कैंडिडेट हैं या फिर सिलीगुड़ी या फिर आसपास के रीजन में रहते हैं वेस्ट बंगाल के, तो आप इसका कांटेक्ट नंबर पता कर लें, बहरमपुर डॉन बॉस्को स्कूल और मुर्शिदाबाद, प्रिंसिपल को कॉन्टैक्ट करें डायरेक्टली। बढ़ते हैं अगली वैकेंसी की तरफ। अगली वैकेंसी भी आपकी वेस्ट बंगाल की ही होगी, स्कूल है आपका हावड़ा में, इस स्कूल का नाम है अल्होड़ा इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ पे कंप्यूटर टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दी गई है takir.hoda16@gmail.com, तो इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगली वैकेंसी ये हो जाएगी नॉन टीचिंग वैकेंसी के लिए, मदुरई तमिलनाडु में पड़ेगा, स्कूल का नाम है कृष्णमल रामासुब्रियर स्कूल, CBSE स्कूल है। आपका यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका BE बैचलर इन इंजीनियरिंग ECE इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में या फिर IT से होना चाहिए, या आपका मास्टर्स इन साइंस होना चाहिए। एज 25 से 35 साल तक होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस, और आपको जो है स्किल्स में आपका कोई भी सर्वर में जैसे लिनक्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में काम, बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए, ट्रबल शूटिंग आना चाहिए रियल टाइम डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए MS ऑफिस की, विंडोज 7, 10 OS की, और आपका डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए IT नेटवर्किंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए। आपको अपना रिज्यूमे सबमिट करना विद इन 7 डेज इस दिए गए एड्रेस पे या फिर ईमेल आईडी के थ्रू। एड्रेस आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप बाय पोस्ट या बाय कुरियर करते हैं या पर्सनली सबमिट करते हैं, या फिर आप ईमेल आईडी नोट डाउन कर सकते हैं जो कि है आपका principal@krs.edu.in, तो इस पे आप सबमिट कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे आने वाले वीडियोस में और भी टीचिंग जॉब अपडेट्स लाते रहूंगी। अगर आपको कवर लेटर से रिलेटेड कुछ टिप्स चाहिए तो वीडियो के टॉप में आपको लिंक दिख रहे होंगे, मैंने एक वीडियो बनाया है, जाकर के जरूर चेक करें कि इम्प्रेसिव इफेक्टिव कवर लेटर कैसे बनाना चाहिए। और आपको और भी कोई भी टीचिंग से जुड़ी हुई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जैसे एक परफेक्ट इफेक्टिव रिज्यूमे कैसे बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी टीचिंग जॉब अपडेट्स के साथ, अपना ख्याल रखें दोस्तों, धन्यवाद।